नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेट एंटीक्विटीज। ओके, सो स्पेशली इस टॉपिक के अंदर हम देखने का प्रयास करेंगे कि 4th सेंचुरी से 7th सेंचुरी के मध्य रोमन एम्पायर के अंदर जो परिवर्तन होते हैं, जो रोमन एम्पायर के अंदर जो चेंजेस आते हैं, उन सभी विषयों पर हमारा मतलब आज का केंद्र बिंदु रहेगा। उन्हीं के इर्द गिर्द हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। ओके, सो चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पे हमारे पे। लेट एंटीक्विटीज द टर्म नाउ यूज फॉर द डिस्क्रिप्शन द फाइनल फैसिनेटिंग द पीरियड इन द इवोल्यूशन एंड द ब्रेकअप ऑफ द रोमन एम्पायर एंड द रेफर ब्रॉडली टू द 4th to 7th century। स्पेशली ये समय जो टाइम पीरियड था लेट एंटीक्विटीज को हम 4th सेंचुरी से 7th सेंचुरी के मध्य का जो कालखंड था, इसको यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर हम जानने क्या क्या हुआ था, उन सभी को जानने का हम प्रयास करेंगे। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे एट द सेंचुरी लेवल द पीरियड्स मोमेंटस डेवलपमेंट इन द रिलीजियस लाइफ विद द एम्परर कॉन्स्टेंटाइन डिसाइडिंग टू मेक क्रिश्चियनिटी द ऑफिशियल रिलीजन। कहते हैं यहाँ पर क्रिश्चियन जो द्वारा जो क्रिश्चियन जो ईसाई धर्म है उसको राज धर्म यहाँ पर बनाया गया। किसके द्वारा? कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा। ओके, और क्या चेंजेज आता है इसी के समय हम देखेंगे पैरेलल। इसी के समय थोड़ा और एक और चीज़ निकल कर आती है। 7th सेंचुरी के स्टार्टिंग में एक नया धर्म आता है जो इस्लाम के रूप में है। और देखते हैं क्या होता है। द अदर एरियाज ऑफ द इनोवेशन वॉज द क्रिएशन ऑफ अ सेकेंड कैपिटल ऑफ कॉन्स्टेंटाइन पॉल। इसी समय फर्स्ट चेंजेस तो रिलीजन का करते हैं, सेकेंड चेंजेस ये अपनी कैपिटल चेंज करके करते हैं। एक और क्या है, अपनी कैपिटल कॉन्स्टाइन पॉल को ये बनाते हैं। कौन बनाते हैं? कॉन्स्टेंटाइन। ओके, जो कॉन्स्टेंटाइन पॉल मीन्स जिसे हिंदी में कंस्तून दुनिया भी बोलते हैं। और एट द साइट ऑफ द मॉडर्न इस्तांबुल, जो टर्की के अंदर जो आधुनिक जो इस्तांबुल है वहाँ पर ही क्या था? कॉन्स्टेंटाइन पॉल। ओके, जो तीनों ओर से जो थ्री साइड से समुद्र से घिरा हुआ स्थान है। ओके, सबसे बड़ा चेंजेस पहला इसने रिलीजन को ऑफिशियल मतलब ऑफिशियल ईसाई धर्म को ऑफिशियल रिलीजन बनाया। सेकंड इसने अपना कैपिटल कॉन्स्टेंटाइन पॉल को बनाया। किसने? कॉन्स्टेंटाइन ने। ओके, सो ये दो बड़े प्रमुख चेंजेस इसके द्वारा किए गए थे। लेकिन इनसे पहले भी कुछ सम्राट आए थे। सम्राट डायोक्लिसियन के बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। उन्होंने साम्राज्य को, इतने बड़े साम्राज्य को विस्तार न करके उस साम्राज्य को और मजबूती प्रदान करने का काम किया। उसके लिए देखते हैं भाई कैसे मजबूती प्रदान की। जो क्षेत्र आर्थिक और सामरिक रूप से उतने ज़्यादा लाभदायक नहीं थे उन क्षेत्रों को इसने पहले छोड़ा। और जो जो इनकी दृष्टि से जो ज़्यादा सुलभ थे आर्थिक रूप से, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के आधार पर आर्थिक रूप से ज़्यादा मजबूत थे, उन सभी क्षेत्रों की सीमाओं को किले बनवाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ मतलब सैनिकों को रख सकें और उनकी सीमाओं को मजबूती से पैक कर सकें। इसके अलावा ये प्रांतों के जो स्टेट्स थे इनके, उन सभी को भी पुनर्गठन करते हैं। और क्या करते हैं? ये सैनिक कार्यों से असैनिक कार्यों को अलग करते हैं। तो मतलब प्योर काम जो सैनिक आर्मी का होता है उसी को वहाँ पर रखते हैं। उसके अलावा अनरिलेवेंट वर्क को भी साथ में नहीं रखते हैं। इसके अलावा ये इनके सेनापतियों को और ज़्यादा लिबर्टी मतलब स्वायत्तता या स्वतंत्रता देते हैं ताकि वो सेल्फ डिसीजन भी ले सके। इस वजह से उन्हें सैनिकों को और अधिक शक्ति मिलती है। तो इस वजह से हम इस पीरियड के अंदर देखेंगे जितने भी आर्मी कमांडर्स थे वो ज़्यादा शक्तिशाली व प्रभावशाली हमको दिखाई देंगे। किसके? डायोक्लिसियन के टाइम के। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली। उसके बाद हमने आपको पता है कॉन्स्टेंटाइन को देखा, जो इनके दो प्रमुख चेंज थे, पहला रिलीजन का और दूसरा कैपिटल का। ओके, इसके साथ साथ एक और सबसे बड़ा चेंजेस ये लाते हैं, वो है इनका क्या? सोलिडस कॉइन, जो आप देखने को मिलेगा। 4.5 ग्राम का कॉइन था। ये तीन प्रमुख चेंजेस
इनके द्वारा, कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा किए गए, और यही प्रमुख इनके इनोवेशंस के रूप में भी हम जानते हैं जो इनके द्वारा अलग 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 क्षेत्रों में लड़ाइयों से ज़्यादा इन्होंने साम्राज्य को मजबूती प्रदान करने का काम किया था। किन्होंने? कॉन्स्टेंटाइन ने। ओके, सो इस पिक्चर के द्वारा आर्टिस्ट के द्वारा जो तैयार की गई उसमें तलवार के साथ कॉन्स्टेंटाइन को दिखाया गया है। उनके शरीर की भव्यता से लेकर रोम साम्राज्य की विशालता को इस पिक्चर के द्वारा एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। द ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चरल ऑफ द क्लासिकल वर्ल्ड बोथ ग्रीक एंड रोमन हैड बीन पॉलीथिस्ट। कहते हैं अभी तक जो ग्रीक और रोमन थे वो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे, मतलब इन लोगों की मान्यताएं से बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे। एक ही व्यक्ति के बहुत सारे देवी देवता होते हैं, जैसे हमारे तो होते ही होते हैं, हम बहुदेवों को मानने वाले हैं। जैसे हमारे तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, कम तो है ही नहीं। हाँ, सो अब देखते हैं। द अदर ग्रेट रिलीजियस ट्रेडिशंस इन द एम्पायर वॉज जुडिज्म, बट जुडिज्म वॉज नॉट ए मोनोलिथ आइदर एंड देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ द डाइवर्सिटी विद इन द ज्यूस कम्युनिटी ऑफ द लेट एंटीक्विटीज इन देयर ऑफ फॉलोअर्स एंड एनफोर्स अ मोर रिजिड सेट ऑफ द बिलीव्स एंड द प्रैक्टिसेस द जनरल प्रॉस्पेरिटी वॉज स्पेशली मार्क्ड इन द ईस्ट वेयर द पॉपुलेशन वॉज स्टिल एक्सपेंडिंग till the 6th century, despite the impact of the plague which affected the Mediterranean in the 540. ये भी हमको देखने को मिला। ओके, सो हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे किस प्रकार के जो सारे काम को हमको देखने को मिला। यहाँ बहुत ज़्यादा बौद्ध देव को मानने वाले लोग थे और भी उनकी मान्यताओं के बारे में हमने देखा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कोलोसियम जो 79 में बनाया गया था, इसमें जो जंगली जानवर और योद्धा ग्लैडिएटर्स मतलब योद्धाओं के मध्य होने वाली लड़ाई को यहाँ बहुत सारे एक साथ बैठ के 60,000 लोग देख सकते थे इस बिल्डिंग के अंदर। सो अच्छे से देखिए, ये प्रमुख फेमस बिल्डिंग है जो कोलोसियम के नाम से जानी जाती है। 79 में इसको बनाया था स्पेशली जानवर और योद्धाओं की लड़ाई को देखने के लिए। ओके, जो ओके द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वर दैट ऑफ द विजिगोथ इन द स्पेन्स डिस्ट्रॉयड बाय द अरब्स बिटवीन 711 एंड द 720 दैट ऑफ द फ्रैंक्स इन गॉल्स एंड दैट ऑफ द लोम्बार्डी इन इटली। ये सारी चीज़ें अभी पढ़ने से पहले आप देख लीजिए कि आपको एक बात बता दूं कि जैसे ही अंतिम समय तक आता है जो बहुत सारी जर्मन मुल्क की जो जातियाँ थी वो धीरे धीरे नॉर्थ से मतलब आक्रमण कर रही है, उधर से एशिया से अलग जातियाँ आ रही है। तो इस प्रकार जैसे 3rd century क्राइसिस के अंदर रोमन साम्राज्य को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, वैसे ही इस समय बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। वेरियस फ्रंट पर लड़ाइयाँ लड़नी पड़ रही थी और अब पहले 3rd century क्राइसिस को तो झेल गए थे, लेकिन ये टाइम पीरियड बहुत क्रिटिकल था रोमन एम्पायर के लिए और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जिसमें बहुत सारे क्षेत्रों को रोमन एम्पायर के द्वारा हमेशा के लिए भी गंवाना पड़ा। देखिए, द एक्सप्लेनेशन ऑफ इस्लाम फ्रॉम द बिगिनिंग इन द अरेबिया हैज बीन कॉल्ड द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन एवर द क्योर इन द हिस्ट्री ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड बाय द 642 बेरले 10 ईयर्स आफ्टर द प्रोफेट मोहम्मद्स डेथ लार्ज पार्ट ऑफ द बोथ द ईस्टर्न रोमन एंड द ससानियन एम्पायर हैड फॉलन टू द अरब इन ए सीरीज ऑफ स्टनिंग कन्फ्रंट्रेशंस। कहते हैं जो अंतिम समय रहा था जिसमें ससानियन एम्पायर का भी फॉल होता है और रोमन एम्पायर का भी रहता है, क्योंकि इस समय ये दोनों शक्तियाँ ही सबसे ज़्यादा लड़ाई में व्यस्त रही, इस वजह से इन दोनों रोमन एम्पायर का भी अंत हो गया और ससानियन का भी अंत हो गया। और इसी समय सबसे ज़्यादा प्रभावशाली साम्राज्य जो अरब लोगों के द्वारा सबसे ज़्यादा साम्राज्य को एक्सपेंड किया जाता है या फैलाया जाता है इसी समय। ओके, सो इसी में मतलब आप देखेंगे
कि रोमन एम्पायर का अंत होता है, ससानियन एम्पायर का अंत होता है, और साथ में एक नया साम्राज्य इस्टेब्लिश होता है अरब लोगों का। सो अब इसमें चलने के साथ साथ एक चीज़ और देख लेते हैं कि यहाँ पर रोमन एम्पायर के अंदर करेंसी कैसी होती थी, किस किस से बनी हुई होती थी और उनके क्या क्या नाम थे, देखते हैं। रोमन करेंसी फॉर मोस्ट ऑफ द रोमन हिस्ट्री कंसिस्टेड ऑफ द गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज एंड ऑर्चेल कम्स एंड द कॉपर कॉइन्स। यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो सोने की, चांदी की, कॉपर की, सॉरी ब्रॉन्ज मतलब कांसा और कॉपर और ये सारी चीज़ें, इन सभी के यहाँ पर हमको कॉइन देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? रोमन एम्पायर के अंदर। यहाँ पर दो प्रमुख कॉइन होंगे, एक तो दिनारियन होगा और एक सोलिडस। प्रमुख रूप से जो दिनारियन होगा चांदी का सिक्का होगा और सोलिडस होगा किसका? सोने का सिक्का होगा। दिनारियन पहले भाई ये क्यों चलाए? दिनारियन क्या था कि जब स्पेन से चांदी अच्छी मात्रा में मिलती थी तब दिनारियन बहुत ज़्यादा अच्छा इसका प्रयोग किया जाता था, लेकिन जैसे ही चांदी की कमी आती है स्पेन की खानों पर, तो कॉन्स्टेंटाइन पॉल के द्वारा एक नया सिक्का, नया इन्वेंशन जारी किया गया जिसके तहत नया सिक्का चलाया गया जो था आपका सोलिडस। सोलिडस सोने का सिक्का था और इसकी साइज थी 4.5 ग्राम गोल्ड था। ओके, सो इसके साथ साथ और भी सिक्कों के पिक्स हम भी देखते हैं जिसमें नेक्स्ट पेज पर देखने को मिलेगा, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये प्रमुख रूप से आपको सोलिडस गोल्ड कॉइन था जो कॉन्स्टेंटाइन पोल के द्वारा मतलब बहुत बड़ी मात्रा में चलाए गए थे। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखेंगे बहुत सारे कॉइन्स की पिक्चर दिखाई देगी। इन सभी में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग शासकों के द्वारा अलग अलग कॉइन स्टार्ट किए गए भी थे और इसमें अलग अलग पिक्चर्स भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर सोलिडस नाम का ये सिक्का है, इसके बाद चांदी के कुछ सिक्के हैं जो दिनारियन के रूप में, कुछ ब्रॉन्ज भी हैं, कुछ कॉपर भी हैं और कुछ अन्य प्रकार के सिक्के भी हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ओके, तो आई होप आपको लेट एंटीक्विटी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा। नमस्कार।